हमने ये वाली लैंड 30 बीघा की जमीन हमने इसमें ऐड किया है। ओके इसमें अगर हम बात करें सर, डे वन से हम इसमें एक एक रोड निकाल के बिजली के खंभे लगा के हमने इसको लॉन्च किया है, वो आपका 40 फीट के होने वाले हैं। 40 फीट के बाद हमारे जो इंटरनल रोड हैं वो आपके 25 फीट के होने वाले हैं। बिजली का काम भी चल रहा है। अच्छा। ये आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये वाला हमने आपको लॉन्च किया है। 50% की पेमेंट पे हम आपको रजिस्ट्री करके देंगे। क्या बात है। रेस्ट अमाउंट आप कंपनी को 2 से 2.5 साल की इंटरेस्ट फ्री ईएमआई में दे सकते हैं। मात्र 12,000 रुपए का हमारे यहाँ आपका प्लॉट स्टार्ट है। अच्छा। और वो भी सर किस्तों में है। जब तक आपकी ईएमआई कंप्लीट होगी जी, तब तक प्रॉपर्टी के रेट अप्रोक्स 2 से 3 गुना हो चुका होगा। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो हो रही है एक बार फिर से बहुत ज्यादा शानदार धमाकेदार। आज हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त प्लॉट का ऑप्शन दिखाने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे लेके आए हैं जहाँ पे आप निवेश करके काफ़ी अच्छा देखिए फ़ायदा उठा सकते हैं। और 2 साल 2.5 साल पहले जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो डबल ट्रिपल का देखिए यहाँ पर उनको फ़ायदा मिला भी है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आज फिर से मैं आप लोग को ले आया हूँ एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जहाँ पर आप लोग को देखिए पूरी गेटेड सोसाइटी इस तरीके से पूरी बना करके दी जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में पूरा प्रोजेक्ट आप लोग को शानदार सा मिल जाएगा। रोड, बिजली, पानी, सीवर, गेटेड सोसाइटी, हर चीज़ देखिए बेहतरीन डेवलप करके आप लोगों को मिलने वाला है कहाँ पर, SSR ग्रुप की तरफ से। तो चलिए मिलते हैं सर से, देखते हैं प्रॉपर्टी का क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है, कैसे आप लोग लेंगे और क्या फ़ायदा आप लोगों को यहाँ पर होगा अगर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, आप बना करके रहें। तो दोस्तों SSR ग्रुप से हमारे साथ, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया सर। इतना अट्रैक्शन, इतनी भीड़, मतलब इतना रश किस लिए हो रखा है सर? क्या मतलब क्या लगा रखा है अपने यहाँ पर? सर आज तो संडे भी नहीं है जी, फिर भी हमारे पास अप्रोक्स 50 से 60 गाड़ियाँ हमारी साइट पे आ चुकी है अब तक। ओके। और देख सकते हैं जितने भी क्लाइंट्स हैं ये सारे पीछे क्लाइंट्स हैं, लोग पूरी दिल्ली NCR से साइट विजिट, प्लॉट देखने और अपना प्लॉट लेने के लिए आए हुए हैं और सुबह से बुकिंग चली रही है। क्या बात है, मतलब बात करूँ तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये पूरी अट्रैक्शन, पूरी भीड़ हो रखी है बिल्कुल प्लॉट लेने के लिए। प्लॉट लेने के लिए इसके पीछे रीजन भी है जी। हमारी साइट एक तो आपको पूरी डेवलप के साथ मिलेगी, डे वन में हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो अपना पोजेशन भी ले रहे हैं, अपने प्लॉट पे जाके बिल्कुल देख भी सकते हैं जी। सेकंड चीज, पूरे जेवर एयरपोर्ट के पास सर चैलेंज है, हमारे जैसा रेट आपको कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं देगा। सही बात है। इस लोकेशन में हम आपको पीस पेमेंट प्लान के साथ ये रेट ऑफर कर रहे हैं और मैंने सुना है साइड बाय साइड हम एक्सटेंड भी करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, डिमांड के हिसाब से हम आपका एक्सटेंड भी करते चले जा रहे हैं। हम आपका इन्वेंटरी क्लाइंट को दे भी नहीं पा रहे हैं, हमारे पास इतनी मुश्किल हो रही है। क्या बात है। तीसरी चीज सर, हमारा प्रोजेक्ट क्यों खास होता है वो है बिल्कुल ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। ना तो आपको 2 किलोमीटर अंदर जाना है, ना तो आपको 3 किलोमीटर अंदर जाना है, ना तो आपको हाईवे से अंदर जाना है, बिल्कुल ऑन हाईवे, ऑन यमुना एक्सप्रेसवे में 50 एकड़ की पूरी टाउनशिप है जहां आपको मिनिमम 50 गज से प्लॉट स्टार्ट होने वाले हैं। 100 गज से स्टैंडर्ड साइज है, 100, 200, 300, 500, 1000 गज तक के प्लॉट्स हैं। जो भी इन्वेस्टर आज तक वीडियो देख रहे हैं अभी तक नहीं आए हैं तो ये मौका है आपके लिए, क्योंकि एयरपोर्ट जिस दिन सर स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल 6 महीने के बाद, दिसंबर के बाद ये प्रॉपर्टी आपका डबल हो चुका होगा और किस्तों में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1 साल पहले का जो रेट था और आज का रेट मैं बात करूं तो दुगना हो चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखिए आपके साइट का हो जाएगा पूरा लेआउट, देख सकते हैं इस तरीके से पूरा लेआउट है। और बात करूं सर तो साइट अभी एक्सटेंड किया हमने इसको। बिल्कुल सर, साइट अभी हमने एक्सटेंड किया है। ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे जी, ये हमारा कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अच्छा। ये जो सोल्ड आउट लिखा हुआ है इसमें आपका प्रोजेक्ट एरिया सोल्ड आउट, ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे बड़े में तो ये वाला नक्शा है। ओके। ये जमीनें हमने अप्रोक्स बेच दी है 190 बीघा के आसपास जमीन, उसके बाद इसी में हमने जो है एक्सटेंशन किया है, ये वाला पोर्शन आप पूरा देख सकते हैं। अच्छा। 30 बीघा की जमीन है ये, बिल्कुल सर्विस लेन से टच है, 3 एंट्री दी है हमने, 25 फीट 40 फीट 25 फीट। ओके। बाकी इंटरनल रोड भी जिसमें है सारे 40 फीट 25 फीट के हैं, मिनिमम 100 गज के प्लॉट है, प्राइम इन्वेंट्री आपका, अच्छी इन्वेंट्री जो बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे के जस्ट कनेक्टेड ही पूरा मिलेगा आपको। ये वाला पोर्शन हमने लॉन्च किया है, तो जो भी व्यूअर्स है एज सून एज पॉसिबल आ सकते हैं। ये पूरी इन्वेंट्री 30 बीघा की हमने लॉन्च की है, हार्डली 15 से 20 दिन का इन्वेंट्री है सर, 15 से 20 दिन के अंदर पूरा इन्वेंट्री आपका सोल्ड आउट हो जाएगा। बात करो तो सही, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है सर, और आगे जितने भी लोग हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे व्यूवर्स, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करके
अपना इन्वेंट्री ले सकते हैं और उसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो मेन जो कनेक्टिविटी रोड की दे रखी है वो 40 फुट की दे रखी है, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से गिट्टी वगैरह आ चुकी है, मतलब प्रॉपर डेवलप करके देखिए पूरा सोसाइटी आप लोग को मिलने वाली है। गेटेड सोसाइटी पूरा बना रहे हैं, मतलब चारों तरफ से देख सकते हैं दोस्तों बाउंड्री वॉल वगैरह आप लोग को डन करके यहाँ पे मिलने वाला है, ताकि आप रहो तो सेफ्टी आप लोगों की पूरी मिले। और अगर मैं अंदर गलियों की बात करूं तो गलियों की जो सड़क दे रखी है वो 25 फुट की दे रखी है, मतलब छोटी पतली कोई सड़क नहीं है, चौड़ी सड़क देखिए, वाइड रोड आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। और प्रॉपर डेवलप करके देखिए पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलने वाला है, मतलब बिजली पानी सड़क सीवर हरियाली हर चीज़ से देखिए सुविधा आपको यहां पर इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। सर इस एरिया में अगर मैं आपको बताऊँ, ये आपका मास्टर प्लान है यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी का जी, जो कि 2031 का मास्टर प्लान है। नोएडा सर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, इसके बाद फिर ग्रेटर नोएडा बना। ग्रेटर नोएडा के बाद सर आज के डेट में जो यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो आपका यमुना एक्सप्रेसवे में है। बिल्कुल, यमुना एक्सप्रेसवे में पूरा नया शहर बसाया जा रहा है, जिसमें ए से लेकर जेड तक जो भी चीज़ है एक नए शहर में वो सारी चीज़ें आ रही है। मैं आपको अगर बताऊँ, जीरो पॉइंट से परी चौक के पास से आप अगर आप दिखाएं तो परी चौक के पास से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर हमारी साइड की जो दूरी है अप्रॉक्स सर 50 किलोमीटर के डिस्टेंस है, और इस 50 किलोमीटर में 45 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो पूरा यमुना एक्सप्रेसवे के मास्टर प्लान तक का एरिया है जो आपका रेड जोन है। 45 किलोमीटर में सर अगर मैं जीरो पॉइंट से बताऊँ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद देखेंगे तो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है जो दिल्ली का तीसरा रिंग रोड है जी। उसके बाद ये वाली लैंड अगर आप देखेंगे, ये लैंड और ये लैंड इंस्टीट्यूशनल लैंड है, जिसमें आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और इस एरिया में एक यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है जो कि JBM यूनिवर्सिटी का है। 1000 एकड़ में सर फिल्म सिटी बन रहा है जो अप्रोक्स 3 साल के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा सर सेक्टर 24 में इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, लावो वीवो की लैंड है, और सेक्टर 22 ए में पतंजलि की लैंड है। क्या बात है। आपने सुना होगा सर लावा वीवो ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें अप्रोक्स 2000 एम्प्लॉयमेंट भी है। पतंजलि की लैंड है जिसमें काम चल रहा है। तो ये वाला पूरा एरिया आपका कमर्शियल जोन है, जिसमें आपका मेडिकल डिवाइस पार्क, टेक्सटाइल पार्क है, टॉय सिटी है। okay. इसके बाद सर एयरपोर्ट है। अरे वाह, एयरपोर्ट की पूरी लैंड है। एयरपोर्ट के लैंड के बाद चप्पलगढ़ तक जो है आपका सर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब है, प्रॉप सिटी सेंटर है, फिर आपका लॉजिस्टिक हब है। इसके जस्ट बाद में ऑन हाईवे हमारी साइट होने वाली है, अप्रोक्स मास्टर प्लान से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में यमुना एक्सप्रेसवे में सर्विस लैंड के बाद। ये आप देख सकते हैं SSR ग्रुप का सेकेंड फेज जो कि पूरी साइट होने वाली है। सर बात करूं तो अगर कोई यहाँ पे प्लॉट लेना चाहे तो मिनिमम साइज प्लॉट का क्या क्या दे रखा है यहाँ पर? मिनिमम साइजेस की बात करें सर, 100 गज से हमारे यहाँ प्लॉट स्टार्ट है। अच्छा, 100, 200, 500, 1000 गज, जितने बड़े इन्वेस्टर हैं, जितना अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ओके, वो आपको उसके हिसाब से प्लॉट मिल जाएगा। अब अगर किसी को कॉर्नर प्लॉट चाहिए, किसी को नॉर्थ फेसिंग चाहिए, वेस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग चाहिए, तो सारी अवेलेबिलिटी अभी दे रखी है। बिल्कुल सर, अभी जो आपको कॉर्नर प्लॉट चाहिए, फ्रंट साइड के प्लॉट चाहिए, ईस्ट फेसिंग चाहिए, नॉर्थ फेसिंग चाहिए, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग चाहिए, जो सबसे अच्छा माना जाता है, राइट, सब तरह के प्लॉट्स आपको अभी मिल जाएंगे। ये वाले पोर्शन में जो आप देख रहे हैं पीछे, जो अभी एक्सटेंड हुई है दोस्तों, उस साइड में देखिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि पहले वाली जो साइट थी उसमें बात करूं तो मैक्सिमम इन्वेंटरी हमारी सोल्ड आउट हो चुकी है। अरे वाह क्या बात है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आए, काफी देखिए प्लॉट्स यहाँ पर बुक हो चुके हैं, तो लिमिटेड ही ऑप्शन देखिए आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लेट करेंगे वैसे वैसे देखिए रेट यहाँ पर बढ़ेंगे। और सर प्राइस की बात करूँ, कोई कितने रेट है प्लॉट दे सकता है यहाँ पर? सर मार्केट का एक बार आप बताइए, क्या मार्केट चल रहा है यहाँ पे? सर अभी का जो मार्केट रेट है वो कम से कम 20,000 भी लोग दे रहे हैं, 18,000 भी दे रहे हैं, 22,000, 25,000 भी दे रहे हैं, मतलब अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सर अगर मैं कहूँ आपको, इस तरह की सोसाइटी में जो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे के पास हो, बिल्कुल सर्विस लैंड से लगा हुआ हो, और आपको रेट मिले मात्र 12 से 15,000 रुपए गज का, तो कैसा लगेगा? क्या बात कर रहे हो सर? सर बिल्कुल, मात्र 12,000 रुपए गज, मात्र 12,000 रुपए गज से हमारे यहाँ आपका प्लॉट स्टार्ट है। अच्छा, और वो भी सर किस्तों में है। टोटल अमाउंट का आपको 40% अमाउंट देना है, 50% के अमाउंट पे रजिस्ट्री है, रेस्ट अमाउंट आप कंपनी को। मतलब अगर कोई 100 गज का लेना चाहे तो 12 लाख रुपए का पड़ेगा उसको, 12 लाख रुपए का पड़ेगा मात्र, जिसमें से 4,80,000 रुपए देना है। अरे वाह, बाकी का अमाउंट 12, 24 या 30 महीनों की ब्याज मुक्त किस्तों में दे सकते हैं आप, जिसमें 1 रुपए का आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अच्छा जी, कोई आपका ब्याज नहीं रहेगा। प्लॉट लीजिए, अपना पूरा प्लॉट का पेमेंट कीजिए, वेट कीजिए और अपने प्लॉट की अप्रिसिएशन पाइए, बाद में आप बेचना चाहे बेच सकते हैं। बिल्कुल, मकान बनाना चाहे मकान बनाइए, कमर्शियल में चलाना चाहे आप, पीजी बनाना चाहे पीजी में चलाइए,
हर तरह की चीज आप ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो। देख सकते हैं दोस्तों, जब तक आपकी किस्त कंप्लीट होगी तब तक देखिए आप यहाँ पे डबल का भी फायदा देखिए उठा सकते हैं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट की बात करूं तो इसी साल से देखिए स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे रेट दुगने तिगने होने वाले हैं सर। बिल्कुल सर, कोई इसमें शक ही नहीं है कि आने वाले 2 से 3 साल 4 साल के अंदर यहाँ प्रॉपर्टी के रेट डबल 3 गुना 4 गुना जाएंगे, क्योंकि आने वाले पिछले 2 से 3 साल के अंदर लोगों को मिला भी है। और अभी तो सर एयरपोर्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इस साल के एंड तक लास्ट मौका है यहाँ पे अफोर्डेबल प्लॉट्स लेने का, फिर इस रेट में आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट में सर 40% की पेमेंट पे आप कंपनी का बिल्डर बायर एग्रीमेंट बन जाएगा। ओके। जो भी चीज हमारी कमिटमेंट रहेगी आपसे वो आपका लिखित रूप में रहेगी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में। 50% की पेमेंट दीजिए आप हमें और विद इन अ वीक हमसे आप रजिस्ट्री कराइए। ओके। कंपनी आपको रजिस्ट्री देगी, जनरल की जमीन है, कोई किसी भी तरह का लफड़े की किसी भी तरह की मुआवजे वाली जमीन नहीं है, 100% लीगलिटी आप चेक भी कर सकते हैं। 50% की पेमेंट पे रजिस्ट्री कराइए, 100% की पेमेंट पे म्यूटेशन कराइए, दाखिल खारिज कीजिए और NOC लीजिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कस्टमर बोलते हैं हमें डे वन में करा के दीजिए तो आप डे वन में पेमेंट करके अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। क्या बात है सर, कैसे कोई कॉन्टेक्ट करे और ऑफिस वगैरह कहाँ पे दे रखा है हमारा? ऑफिस सर हमारा नोएडा 96 में है, दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से आप बात कीजिए, साइट विजिट बुक कीजिए, जो भी जानकारी चाहिए आप लीजिए। हमारे यहाँ तो आप ऑफिस आ सकते हैं या कॉल करके पूरी दिल्ली NCR से हमारे व्यूवर्स के लिए साइट विजिट बिल्कुल फ्री है, बात करके एक दिन पहले अपनी साइट विजिट बुक कराइए, जानकारी लीजिए, सारी क्वोटेशन मंगाइए आप, उसके बाद साइट विजिट करने के आइए तो अपना पेमेंट बुक करा के जाइए। तो दोस्तों आइए, बेस्ट ऑप्शन देखिए आप लोगों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देखिए इस प्रोजेक्ट में मिलने वाला है, कहाँ पर? SSR ग्रुप की तरफ से।